अनूपपुर जिले से लेकर पूरे मध्य प्रदेश के जनजाति के छात्रावासों के रसोइयों की हालत अब जर्जर भवन जैसी होती नजर आ रही है। इसके चलते रसोइयों को समय पर वेतन न मिल पाने और कुछ ऐसी ही समस्या से जूझते हुए नजर आ रही हैं। आपको अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ ब्लॉक के रसोइयों की, जो आदिवासी जनजाति के छात्रावासों पर खाना बनाने का काम करते हैं, जिनका वेतन अभी कभी भी सही समय पर नहीं दिया जा रहा है और इनका वेतन महज 5,000 रुपये है, जिनमें इनको अपना पूरा परिवार भी चलाना पड़ता है। हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम यहाँ पंडाल लगा करके और कलेक्टर ऑफिस में ही अपन धरना प्रदर्शन करेंगे, और यदि हमारी यहाँ तक सुनवाई नहीं होती है तो हम और उग्र आंदोलन करेंगे। इसके लिए अनुसूचित जाति छात्रावासों में कार्यरत अंशकालिक कर्मचारियों की वेतन आवंटन के अभाव में रुकी हुई है। आवंटन प्राप्त करने के लिए भोपाल जो है मांग पत्र भेजा गया है, जैसे ही आवंटन प्राप्त होता है इनकी वेतन का भुगतान हो जाएगा। पुनः इस विषय में एक स्मरण पत्र कल हमारे कार्यालय के द्वारा भेज दिया जाएगा। हम लोगों की वेतन नहीं बढ़ रही है और 8-10 साल से हम लोग कर रहे हैं, हमारी कोई नहीं सुन रहे हैं। कहाँ पर आप काम कर रहे हैं? महाविद्यालय हॉस्टल में। क्या काम करती हैं आप? खाना बनाती हूँ, रसोईया काम करती। रसोईया है तो अभी तक पेमेंट नहीं मिला आपको? नहीं मिलता है, लेकिन 5,000 से आगे बढ़ नहीं रहा है। लेकिन हम लोगों का मिल रहा है, हर महीना डाल रहे हैं, लेकिन बढ़ नहीं रहा है।